दोस्तों नमस्कार। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 5 जुलाई को एक गाइडलाइंस जारी किया गया है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑल यूपीआई मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। और गाइडलाइंस आप यहां पर देख सकते हैं कस्टमर लोकेशन ऑन यूपीआई ऐप, यानी कि आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से अगर आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, यूपीआई पेमेंट करते समय या करते दौरान आपसे कहा जाता है कि आप लोकेशन ऑन कीजिए तब हम आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल करेंगे, तो यहां पे एनपीसीआई का कहना है आप उसे जबरदस्ती लोकेशन ऑन नहीं करवा सकते हैं। अगर जो यूजर अपना लोकेशन ऑन नहीं करना चाहता है यूपीआई पेमेंट करते समय तो उसका भी पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर कस्टमर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से अगर वो पेमेंट करता है, अगर वो लोकेशन ऑन नहीं करता है तब पर भी उसका पेमेंट सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से लोकेशन ऑन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है वो नहीं कह सकती है कि आप पहले लोकेशन ऑन कीजिए तब आपका यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त था जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। वैसे देखा जाए तो गूगल पे में जब आप पेमेंट करने जाएं यूपीआई से तब वहाँ पे लोकेशन ऑन करने के लिए कहा जाता है, तब आपका यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल होता है। लेकिन ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया है, अब आप गूगल पे से पेमेंट करेंगे, अगर आप गूगल पे से पेमेंट करेंगे यूपीआई के माध्यम से तो आपको यहाँ पे लोकेशन ऑन करने का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर था जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा